अगर बात करें आपेक्षिक त्रुटि के बारे में, तो आपेक्षिक त्रुटि का मान परम त्रुटि की तुलना करने से ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और हमें 1 सेंटीमीटर की त्रुटि प्राप्त हो रही है, तो यहाँ आपेक्षिक त्रुटि का मान अधिक माना जाता है क्योंकि 5 में से 1 भाग की त्रुटि होती है। लेकिन जब 100 सेंटीमीटर की लंबाई मापने में 1 सेंटीमीटर की त्रुटि प्राप्त होती है, तो इस आपेक्षिक त्रुटि को बहुत छोटा माना जाता है। इस छोटी त्रुटि को परम त्रुटि की श्रेणी में मान सकते हैं।